दोस्तों, अगर आप भी क्विंटन डिकॉक को खतरनाक बल्लेबाज मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, लखनऊ और कोलकाता के बीच में खेले गए इस महामुकाबले में क्विंटन डिकॉक और केएल राहुल ने मिलकर कोलकाता के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी और एक सांस रोक देने वाले मुकाबले में इतिहास रच दिया। लेकिन कोलकाता के बल्लेबाजों ने भी तगड़ी लड़ाई लड़ी और दोस्तों, इस सांस रोक देने वाले मुकाबले की हाइलाइट्स के बारे में आपको हम बताएंगे। लेकिन उससे पहले क्विंटन डिकॉक और नीतीश राणा में कौन है बेहतरीन बल्लेबाज, इस बात का जवाब हमें नीचे कॉमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, लखनऊ और कोलकाता के बीच में खेले गए खतरनाक मुकाबले में सबसे पहले लखनऊ के कप्तान केएल राहुल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और गेंदबाजी के लिए कोलकाता की टीम को आमंत्रित किया और लखनऊ की तरफ से पहले बल्लेबाजी करने के लिए कप्तान केएल राहुल और क्विंटन डिकॉक मैदान पर आए और दूसरी तरफ से अपना ओवर करने के लिए उमेश यादव आए और दोनों बल्लेबाज अच्छी लय में बल्लेबाजी करते हुए दिखाई दे रहे थे। वहीं तीसरे ओवर में लखनऊ के क्विंटन डिकॉक को बड़ा जीवन दान मिला जिसमें कोलकाता के अभिजीत तोमर ने थर्ड मैन में उनका कैच छोड़ दिया और कोलकाता की टीम को ये कैच छोड़ना भारी पड़ गया और जब क्विंटन डिकॉक का कैच छूटा तो वो 12 रन के स्कोर पर बल्लेबाजी कर रहे थे और कैच छोड़ने के बाद जले पर नमक छिड़कने के लिए डिकॉक के ओवर की अंतिम गेंद पर छक्का भी जड़ा। और तो वहीं लखनऊ की टीम ने पावर प्ले में बिना किसी नुकसान के 44 रन बना लिए और जिसमें क्विंटन डिकॉक और केएल राहुल अच्छी लय में बल्लेबाजी करते हुए दिखाई दे रहे थे और डिकॉक ने जीवन दान मिलने के बाद तेजी से रन बनाए थे। तो वहीं 8वें ओवर में वरुण चक्रवर्ती ने तेज गेंदबाजों की तरह एक बाउंसर गेंद स्पिनर होने के बावजूद भी डाल दी और वहीं इसके बाद जब 10वें ओवर में गेंदबाजी करने आए टिम साउदी तो राहुल ने अपनी शानदार बल्लेबाजी से उन पर शिकंजा कसते हुए लगातार 2 गेंदों पर 2 छक्के जड़ दिए और अपनी बल्लेबाजी में रन अप बॉल को पीछे छोड़ते हुए गेंद और रन का फासला बढ़ा दिया। तो वहीं 12वें ओवर में वरुण चक्रवर्ती की गेंद पर 1 रन के साथ क्विंटन डिकॉक ने आईपीएल करियर का 20वां अर्धशतक पूरा कर लिया और उन्होंने 36 गेंदों में 50 रन पूरे किए और कोलकाता के खिलाफ पिछली 5 पारियों में क्विंटन डिकॉक ने अपना 4था अर्धशतक लगाया और अब लखनऊ की टीम मजबूत स्थिति में आ चुकी थी। और वहीं दूसरी तरफ केएल राहुल ने 14 ओवर में उमेश यादव की 5वीं गेंद पर अपने आईपीएल करियर का 30वां अर्धशतक पूरा किया और उन्होंने 41 गेंदों में 50 रन पूरे किए और 15 ओवर में ये दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर लखनऊ की टीम का स्कोर 122 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर पहुंचा दिया था। लेकिन अगले ओवर में वरुण चक्रवर्ती के अंतिम ओवर में 2 छक्के और 1 चौका जड़कर क्विंटन डिकॉक ने अपनी रफ्तार पकड़ ली और 18वें ओवर में तो क्विंटन डिकॉक ने 1 छक्के और 1 चौके के साथ ओवर की 4थी गेंद पर रसल को चौका जड़कर अपना आईपीएल का 2रा शतक जड़ दिया। और वहीं 19वें ओवर में क्विंटन डिकॉक ने तहलका मचा दिया और टिम साउदी की पहली ही गेंद पर छक्का जड़ दिया। तो वहीं ओवर की 3री और 4थी और 5वीं गेंद पर लगातार 3 छक्के जड़कर गेंदबाजों को पूरी तरह से तहस नहस करके चकनाचूर कर दिया और ओवर में 27 रन बटोरे और इसी के साथ ही आईपीएल के इतिहास में सबसे बड़ी ओपनिंग साझेदारी दोनों बल्लेबाजों ने करी। जी हां, वहीं इसके अलावा अंतिम ओवर में आंद्रे रसेल की फिर रिमांड लेते हुए लगातार 4 चौके के साथ 19 रन बटोरे और इसी के साथ ही 70 गेंदों पर 10 चौके और 10 छक्कों की मदद से 200 के स्ट्राइक रेट के साथ में 140 रन नाबाद बनाए। तो वहीं दूसरी तरफ से कप्तान केएल राहुल ने बखूबी साथ देते हुए 51 गेंदों पर 3 चौके और 4 छक्कों की मदद से 68 रन की नाबादबारी खेली। इसके बदौलत लखनऊ की टीम ने 210 रन बिना विकेट खोए बना दिए और इसके बाद 211 रन के लक्ष्य का पीछा करने जब कोलकाता की टीम उतरी तो एक बार फिर से नई सलामी जोड़ी बड़ी शुरुआत करने के इरादे से अभिजीत तोमर और वेंकटेश अय्यर के रूप में मैदान पर उतरी। और आपको बता दें कि दूसरी तरफ से युवा गेंदबाज मोहसिन खान गेंदबाजी करने आए और ओवर की दूसरी ही गेंद पर इतनी तेज गेंद फेंकी कि बल्लेबाज का बल्ला ही टूट गया। तो वहीं तीसरी गेंद पर वेंकटेश अय्यर कैच आउट हो गए और अभिजीत तोमर रन आउट होने से बाल बाल बच गए। कप्तान राहुल के गेंदबाजी के फैसले को सही साबित करते हुए दोस्तों आपको बता दें कि 4थे ही गेंद पर वेंकटेश अय्यर को बिना खाता खोले विकेटकीपर क्विंटन डिकॉक ने शानदार कैच के द्वारा पवेलियन भेज दिया और बल्लेबाजी के लिए नीतीश राणा आए और पहली गेंद पर चौके के साथ अपना खाता खोला और पहले ओवर में मात्र 4 रन आए। और इसके बाद अगले ओवर में होल्डर गेंदबाजी करने आए और डेब्यू में अभिजीत तोमर ने चौके के साथ अपना खाता इस ओवर में खोला और अगले ओवर में गेंदबाजी करने के लिए फिर से कप्तान राहुल ने मोहसिन खान को भेजा और अपना पहला मुकाबला खेल रहे अभिजीत तोमर को आपको बता दें कि उन्होंने उनके हाथों 4 रन बनाकर कैच आउट करा दिया और इसके बाद बड़ी पारी खेलने की उम्मीद
से मैदान पर श्रेयस अय्यर आए और ओवर में मात्र 2 रन मोहसिन खान ने दिए और इसके बाद उन्होंने 4th ओवर कराने आवेश खान आए और नीतीश राणा ने शुरुआत से ही बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए तेज तरार बल्लेबाजी प्रारंभ कर दी और आवेश खान को पहली गेंद पर चौके के साथ ओवर की अंतिम 4 गेंदों पर 4 चौकों के साथ कुल मिलाकर 5 चौकों की बदौलत 21 रन बटोरे और अगले ओवर में गेंदबाजी करने के लिए जेसन होल्डर आए और इस ओवर में श्रेयस अय्यर ने लगातार 2 चौके और 1 छक्के की मदद से ओवर में 16 रन बटोरे और इसके बाद पावर प्ले के अंतिम ओवर में गेंदबाजी करने के लिए स्पिनर कृष्णप्पा गौतम आए और ओवर में 3 चौकों के साथ 13 रन बटोर लिए और पावर प्ले के बाद अगले ओवर में गेंदबाजी करने रवि बिश्नोई आए और 5 रन दिए जिसके बाद अगले ओवर में गेंदबाजी करने कृष्णप्पा गौतम आए और पहली ही गेंद पर नीतीश राणा को 22 गेंदों पर 9 चौकों के साथ में 42 रन बनाकर स्टोइनिस के हाथों कैच आउट करा दिया। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए सैम बिलिंग्स आए और छक्के के साथ श्रेयस अय्यर ने 10 रन बटोरे और इसी के साथ ही 8 ओवर में कोलकाता की टीम ने 75 रन 3 विकेट के नुकसान पर बना दिए। दोस्तों इस मुकाबले में आपको किस खिलाड़ी ने सबसे खतरनाक प्रदर्शन से प्रभावित किया, इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।